तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। टेक्स्ट फॉर्मूला कि टेक्स्ट कैटेगरी के जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पे मैं करेक्टर ए लिखता हूं, तो आप यहां पे कोड का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि इसको कोड में कन्वर्ट करता है। और बोलेगा कोड क्या है, देखिए एक्सेल जो है ए को एज ए रीड नहीं करता है, ठीक है, एक्सेल को ए को एज ए रीड नहीं करता है। तो क्या रीड करता है, कोड में तो या रीड कर नंबर में? क्या बोले सर, ये कोड में या नंबर में करता है, इसे दे रहा है ना? जी मैं वही बता रहा हूं कि कोड को इसको ए को जो है ना 65 रीड करता है, बैकएंड के अंदर में 65 रीड करता है, ठीक है ना। हर करेक्टर के लिए इसने एक अलग कोड दिया, इसको स्काई नंबर कहा जाता है, इसको स्काई नंबर कहा जाता है। और फिर वापस कैर का फॉर्मा लगाते हैं तो एक करेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ओके okay? सर ये भी 65 से 97 का हो गया, सिक्सटी क्या तो स्मॉल ए फाइव था से ना, सेवन कैपिटल ए 65 स्मॉल, हर करेक्टर चाहे ओ कैपिटल हो या ए हो, तो सब चीज के बारे में डिस्कस करेगा बताएगा, स्मॉल पे ठीक 97 दे दिया और कैपिटल ए पे उसने 65 दे दिया। है। हर तरह की करेक्टर, स्पेशल करेक्टर हो, बड़ा छोटे का फर्क हो, जो भी हो, सबका ऊपर ये आपके सामने दिखाएगा, ठीक है, जी ठीक क्लियर ठीक है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी आ गया, एक मिनट। चलिए अब बात करते हैं इसमें, आगे और चलते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि जब हम कभी कभी क्या होता है कि जब हम नाम वगैरह कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो कुछ अनवांटेड स्पेस होता है। जैसे यहां देख सकते हैं कि सुजीत के साथ कुमार में देखिए काफी काफी कितना लंबा आ गया, ठीक है। तो ऐसे अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिम फॉर्म। ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है, अनवांटेड स्पेस रिमूव करता है। जैसे स्टार्टिंग में लगा हो या एंडिंग में लगा हो या बीच में बहुत ज्यादा लगा हो, ऐसे स्पेस को रिमूव करने का काम क्या करता है आपका फंक्शन ट्रिम फंक्शन, ट्रिम फॉर्मूला रिमूव करता है। ध्यान रखिएगा ट्रिम स्पेस को रिमूव नहीं करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, यानी ठीक एक है स्पेस को नहीं देगा, वो एक स्पेस को छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा होंगे उसको जी रिमूव कर हाँ। देगा। जो स्पेस जरूरी है उसको रह उसको छोड़ देगा और जो जरूरी नहीं है उसको रिमूव करेगा, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है, कभी कभी क्या होता है कि हम टाइप करते समय हम ऑल्ट एंटर प्रेस कर देते हैं, ऑल्ट एंटर, तो उसी सेम सेल के अंदर नीचे ऑल्ट नेक्स्ट एंटर लिखा क्या था करता है कि उसी के नीचे डाल देता है, जैसे कुमार डाल दिया, तोड़ जी। के नीचे डाल देता, रैप टेक्स कर देता है। आपको पढ़ाया था ना ओके होम के अंदर जो रैप टेक्स होता था ये। जी अब इसको रैप एडिशन टेक्स में को ट्रिम करेंगे ना तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है लेन का, LEN, लेन। लेन क्या करता है कि चीजों को जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हैं उसका लेंथ दिखाता है, जो कि आप यहां देख रहे हैं कि 12 दिखा रहा है, ठीक है, वेल दिखा दिया। अब यहां पे
आप मैनुअल काउंट करें सुजीत कुमार में सिर्फ 5, 11, 11 करेक्टर्स, कितना है 11 करेक्टर। अब 11 करेक्टर है जिस कारण से ये तो गलत हो गया क्या? 11 करेक्टर है जबकि लेंथ है 12। 12, क्योंकि टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है। क्या है? नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। अब बोले नॉन प्रिंटेबल ओके करेक्टर क्या होता है? देखिए, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसे करेक्टर जो आपको दिखेंगे, दिखेंगे नहीं बट होगा, नॉन समझे? विजिबल कैरेक्टर हो गया। जी हाँ, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर वो हुआ जो दिखता नहीं है बट होता है। ठीक है, ऐसे करेक्टरों को रिमूव करने के लिए क्लीन का फॉर्मा लगाते हैं। क्लीन क्लीन कर दिया, अब यहां पे देखिए हम लेन फॉर्मा लगा रहे हैं। अब बोले जिससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क वक्त पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है जब आप कंडीशन लगाते हैं, मैच करते हैं, तो वहां पे आपको फर्क पड़ेगा, समझे? कंडीशन को अप्लाई करें तो वहां पे फॉर मिलेगा। हाँ, क्योंकि अच्छा अगर ठीक सुजीत है, कुमार है, ये है, दोनों है, तो अगर दोनों का मैच कीजिएगा तो इफ उसको नहीं ना मानेगा, री लुकअप नहीं मानेगा, मैच नहीं मानेगा, मानेगा समझे? क्लियर है कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां ट्रीन ने क्या किया, क्लीन ने क्या किया, उसको क्लियर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मुझे तो इसका ये चाहिए ना, क्या बोलते हैं, मतलब नॉन स्पेस विजिबल होना करेक्टर चाहिए, को आप शो सेपरेटर करना होना चाहते चाहिए ना हो। दोनों के बीच में। मैं समझती, नॉन विजिबल करेक्टर को आप शो करना चाहते हो जो भी है। हाँ, मतलब कि मैं चाहता हूं कि नॉन प्रिंटेबल करेक्टर जो भी है, उस नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को मैं स्पेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं ताकि सेपरेटर दिखाए। क्या समझ रहे बात को? सर आपकी आवाज ना बीच बीच में गायब हो जाती है नहीं एकदम नहीं मैं चुप से, रहता हूँ, सैल्यूट नहीं नहीं तो यहां पे मैं सीखूंगा पहले कि हम कैसे किसी भी सेल के अंदर किसी करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से कैसे रिप्लेस करें। जैसे मैं यहां जितने भी डॉट है उसको डैश करना चाहता हूं, तो यहां पे फॉर्मा लगाऊंगा सब्स्टिट्यूट का। किसका? सब्स्टिट्यूट का। मैं यहां पे जाऊंगा ऑल करेक्टर में डालूंगा डॉट, फिर यहां पे कॉमा डैश, तो जहां जहां डॉट था वो डैश बन गया, जहां जहां डॉट था वो क्या बन गया? डैश। बस। एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस का। रिप्लेस फॉर्मूला भी सेम वर्क करता है लेकिन थोड़ा सा अलग। इसमें बताना पड़ता है कि भैया मुझे चौथे नंबर करेक्टर से एक करेक्टर को तुम स्लैश कर दो, ठीक है? चौथे नंबर करेक्टर को चौथे नंबर करेक्टर से एक करेक्टर को तुम स्लैश कर दो, समझे? यहां देखिए, एक यार स्लैश, एक ही स्लैश चाहिए, मतलब ये एक मेरा हर चौथे में चाहिए। ही अगर वो करेक्टर दो ने करता किया हमने, तो एक ही करेक्टर किया ना हमने, तो इसलिए देखिए यहां पे क्या हुआ कि करेक्टर को ढूंढ के रिप्लेस करता है सब्स्टिट्यूट। लेकिन इस ए आपका रिप्लेस क्या करता है, आप बताइए कौन पोजीशन से वाइज कितने नंबर पोजीशन भी देखता करेक्टर। है वो। हाँ, कितने नंबर करेक्टर को है इसको टैग, ठीक करेक्टर से मतलब नहीं है कि कौन है, डॉट डॉट है, डैश है, क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? वो चौथा नंबर काउंट करेगा 1 2 3 4, अच्छा 4 से एक एक और रिप्लेस कर देगा।
मुझे फोर से एक की जगह पे मैं अगर टू कर दिया, नंबर वन को टू कर देता हूं, तो देखेंगे कि यहां पे डैश और थ्री दोनों को स्लैश कर, ठीक है? तो सब दो फॉरवर्ड स्लैश में थे, एक ही स्लैश थे। एक ही स्लैश देगा ना, देखिए रिप्लेस थोड़ी रिपीट थोड़ी कर देगा, जो यहां ओके डालेंगे स्लैश के जगह पे दो स्लैश करना है दो स्लैश डालिए, तो जो यहां डालेंगे वो करेगा, चाहे एक करेक्टर करे या पांच करेक्टर करे, उसे कोई मतलब नहीं है उसको, सब्स्टिट्यूट बेटर, ठीक है? और हाँ सब्स्टिट्यूट बेटर है, लेकिन बात ये भी है कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जरूरत है या रिप्लेस को उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल तो करो। डिपेंड जैसे करता है ना कि कि आप क्या कर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको कैरेक्टर ढूंढ के करना होता है, कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन को ढूंढना होता है, ठीक है ना? हाँ, तो सिचुएशन के हिसाब से हम इसका चयन करते हैं। अब यहां पे क्या करें, क्योंकि मुझे इसको करना है रिप्लेस, तो बेसिकली हम क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, या पोजीशन नहीं है या करेक्टर। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा, क्योंकि करेक्टर तो सब्स्टिट्यूट ही करता है, सब्स्टिट्यूट में हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे हम कैसे लिखे, क्योंकि यहां पे तो ऑल्ट एंटर लिखना है, तो क्या मैं यहां पे ऑल्ट एंटर ऐसे प्रेस करूं, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहां पे यूज करेंगे हम एक कोड और कैर का फॉर्मूला। देखिए किसी भी सेल किसी भी करेक्टर का कोड पता करना है, तो मैं एक बार उस करेक्टर को लिख देता हूं, मतलब यहां पे ऑल्ट एंटर हमने प्रेस कर दिया। अब मैं इसका कोड फॉर्मूला लगाता हूं, तो पता चलता है जो ऑल्ट एंटर शॉर्टकट है, जो शॉर्टकट करेक्टर दे रहा है, उसका जो कैर कोड है वो 10 है, मतलब कि अगर मैं कैर के अंदर 10 डाल दू तो दोनों इकट्ठा होंगे बराबर होंगे। देखिए यहां पे ट्रू, समझे? कोड तो मैं सब्स्टिट्यूट के अंदर हम अपने नव कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, यहां पे ओल्ड टेक्स्ट के जगह पे कैर 10 डाल देंगे और यहां पे स्पेस दे देंगे, तो आप देखेंगे सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस आ गया। क्या आ गया? समझ गए? क्लियर है मैम? कोई डाउट इसमें? नो नो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं टेक्स ज्वाइन का, किसी टेक्स को कैसे ज्वाइन करेंगे। जैसे यहां पे सुजीत और कुमार अलग अलग सेल पे है, तो याद होगा शुरुआती क्लासेस में मैंने बताया था कि इसके लिए हम यूज करते हैं कॉनकेटनेट। तो कॉनकेटनेट कौन पहले को सिलेक्ट किया, कहता सेपरेटर डालना है स्पेस, दूसरे को सिलेक्ट किया, ठीक है? या फिर आपको मैं बताया था एन परसेंट, याद होगा हाँ, एन फिर परसेंट, परसेंट, फिर स्पेस, फिर हाँ, वो भी वही कह रहे हैं, इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। जी हाँ। लेकिन तब क्या हो, जब मेरे पास एक लिस्ट हो, क्योंकि लिस्ट में इस तरह से एक एक करके दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है कॉनकेट नाम। कॉनकेट क्या करता है कि सबको कॉनकेट कर देता है बिना किसी सेपरेटर का। फिर आती है फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला आप कर सकते हैं विथ सेपरेटर। तो क्या सेपरेटर देना, डिलिमिटर, मतलब क्या सेपरेट, एक टेक्स्ट से बीच के दूसरे बीच में क्या सेपरेट होना चाहिए, मैंने बोला कॉमा होना कॉमा चाहिए, होना है, कॉमा होना चाहिए, तो डॉट इनवर्टेड होना कॉमा के अंदर हमने चाहिए। कॉमा डाल दिया। फिर आता है कि अगर मान लीजिए रेंज के अंदर में ब्लैंक हुआ तो उसको भी कंसिडर करना है, इसको स्किप कर देना, मैंने बोला इसको स्किप कर दिया। फिर यहां पे आता है टेक्स्ट सेलेक्ट करो, मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना टेक्स्ट, एंटर प्रेस किया, ये देखिए हर नाम के अंदर दूसरा नेम के अंदर देख रहे हैं इसने कॉमा लगा दिया, ठीक है? बट टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला कॉनकेट फॉर्मूला आपको एक्सेल 2019 में मिलेगा, उससे लोअर वर्जन में नहीं मिलेगा। उससे लोअर वर्जन में तो फिर आपका वो कॉनकेटा नेटी है या एन परसेंट का साइन।
ओके 2019 में दो मिलेगा, हजार उन्नीस लेकिन में क्या लेकिन अगर मैं उसको हाँ गूगल एक्सेल गूगल एक्सेल शीट पे शीट पे करना चाहूँ हाँ गूगल तो वो एक्सेल शीट मुझे गूगल शीट गूगल एक्सेल शीट नहीं गूगल शीट कहेंगे, एक्सेल अलग है गूगल अलग है, शीट दोनों में सेम है ठीक ओके नहीं है। एक्चुअली इसको जो हम इसको जो कहते हम हैं कहते हैं इसको एमएस एक्सेल एमएस शीट एक्सेल कहते हैं, शीट उसको कहते गूगल एक्सेल शीट हैं, कहते हैं इसलिए बोलूँ। नहीं, गलत बोलना है, ये देहाती भाषा हो गया, जैसे कि हर पेस्ट कॉलगेट ही होता है। ओके नहीं, वो एक्चुअल वर्जन तो वही है ना, वर्जन तो वही है ना जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो एक्सेल हो गया गया और वो और जो गूगल एक्सेल हो गया, तो वहां पे मैम गूगल एक्सेल एक्सल वर्जन। एक एक्सल एक एक्सल हो गया माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट और गूगल सीट हो गया गूगल का प्रोडक्ट, दोनों को अच्छा तो एक आप जैसा इसको कैसे बोल गूगल शीट सकते हैं। कहोगे? जी हाँ उसको गूगल सीट कहलाएगा, इसको एक्सल एक्सल बोल सकते हैं, एक्सल सीट कहने की जरूरत नहीं है, एक्सल कह सकते हो ओके ओके ठीक। ऐसे तो कोई ठीक है मैटर नहीं ठीक है। करेगा लेकिन इंटरव्यू में मैटर करेगा। अच्छा अच्छा इंटरव्यू में इंटरव्यू ओके, में इसका मतलब इसका ये है मतलब कि अगर ये है कि वो अगर गूगल वो शीट गूगल बोल रहे शीट हैं, मीन्स बोल रहे हैं गूगल गूगल एक्सेल एक्सेल शीट। शीट, ओके गूगल ठीक है एक्सेल ठीक सीट नहीं कहलाएगा गूगल सीट कहलाएगा, दोबारा कभी गूगल एक्सेल सीट मत कहिएगा ठीक है। मैं ठीक है। इंटरव्यू मैं ऐसे इंटरव्यू नोटिस में में समझ गया भैया का लिखा होगा ना गूगल ऐसे सीट, नोटिस। गूगल सीट हाँ। आप अगर एक्सेल की जगह के स्प्रेडशीट कहें तो चलेगा, ओके गूगल ओके गूगल स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट हाँ गूगल स्प्रेडशीट चलेगा, गूगल सीट कहिए गूगल स्प्रेडशीट कहिए ये चलेगा, क्योंकि स्प्रेडशीट जो रो एंड कॉलम जो दिख रहा है इसको आपका एक्सेल के इसमें कंप्यूटर के भाषा में स्प्रेडशीट कहा जाता है ओके ठीक है। अब बात करते हैं सेपरेशन की। अब सेपरेशन में अब मैं बताइए कि मैं आपको किसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, मैं पढ़ाऊं 2013 के अकॉर्डिंग या 2019 21 के अकॉर्डिंग, दोनों पढ़ा दो, या तो फिर दो तरीके से पढ़ा दो, मेरे पता है ना कि मैं कंफ्यूजन गूगल शीट होगा पे दो, करूंगी। कंफ्यूजन मैं होगा गूगल दोनों में। अगर दोनों तो अगर पढ़ाने दोनों में में कंफ्यूजन कंफ्यूजन होगा होगा तो तो मैं मैं तो तो आपसे आपसे यही यही एक्सक्यूज एक्सक्यूज क्या क्या मुझे मुझे गूगल गूगल शीट गूगल मतलब शीट 2021 पढ़ा दो, पढ़ा क्योंकि मैं दो प्रेफर गूगल शीट का करूंगी, क्योंकि जी चल तो आपकी ठीक वही है। राय है। देखिए देखिए यहाँ पे चलिए मैं दोनों का मिक्सअप करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर ठीक मुझे इसको ठीक सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला लेफ्ट का, लेफ्ट में मैं यहां से तीन करेक्टर ले लूंगा कि लेफ्ट से तीन करेक्टर निकाल दे, फिर राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां से मैं बोलूंगा कि राइट से तीन करेक्टर अलग कर, फिर मेरे पास मिड का फॉर्मूला है इसको सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि भाई चौथे नंबर नहीं पांचवें नंबर करेक्टर से तीन करेक्टर अलग कर, तो मिड आ जाएगा। तो मिड को आपको बताना पड़ेगा कि मिड कहाँ से स्टार्ट, तो मेरा पांचवें नंबर करेक्टर से स्टार्ट है, चौथे तो डॉट है, पांचवा थ्री है, पांचवा से 367 तीन करेक्टर लेना है, तीन डाल दिया तो आप देख सकते हैं 365 करेक्टर आ गए। तो लेफ्ट लेफ्ट से जितना करेक्टर अलग करना चाहते हो यूज कर सकते हो, राइट राइट से कर सकते हो और मिड मिड से कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेट कब, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मुझे आई ये आपके पास ईमेल आईडी है, मुझे आईडी अलग रखना है साइट अलग रखना है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ईमेल आईडी है तो मैं मैनुअली एक एक नहीं कर सकता, मैनुअली एक एक नहीं कर सकता, क्या करें। तो इसके लिए अगर हम लेटेस्ट एक्सेल की बात करें तो मेरे पास दो फॉर्मूला है, एक है टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट बिफोर सॉरी टेक्स्ट बिफोर मैं लूंगा और बोलूंगा कि एट द रेट से पहले वाले सारे टेक्स्ट को दे दीजिए, देखिए इसमें कुमार है। फिर मैंने यहां लगाया टेक्स्ट आफ्टर आफ्टर एट और इसको सेलेक्ट किया और यहां पे एट द रेट सेलेक्ट कर दिया, द रेट लेकिन उसके जैसे बाद मैंने एट आफ्टर बताया कि 2013 का फीचर है, किसका फीचर है 2000 सॉरी 2061 का 365 का माफ कीजिएगा कुछ और बोल रहा हूँ ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल एक्सेल में कैसे करें, जो 2013 है 16 है 7 है, तो एक आता है फॉर्मूला फाइंड, अब इसी को यहां पे करके दिखाता हूं ठीक है, फाइंड का फॉर्मूला। तो फाइंड फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसमें का एट द रेट का पोजीशन है, यहां पे एट द रेट और हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया ठीक है,
और यहाँ पे हमने कर दिया वन, ये बता देगा कि सिक्स है, क्या है सिक्स है, मतलब एट द रेट छठे नंबर की करेक्टर पे है। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मा लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि सिक्स माइनस वन, क्योंकि सिक्स तो एट द रेट तक का है ना, माइनस वन ना करेंगे तो एट द रेट भी आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस वन, टू सिर्फ टू कुमार है। मतलब कि मैं वन मैंने क्या बोलना, टू किया था, मैंने अपने सर पहले यहाँ पे ये फाइंड का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे हम तो, एट द रेट भी आ रहा था ना कुमार के साथ। ठीक कहा हाँ, तो मैंने आपने सुना नहीं ध्यान से, हमने बोला कि अगर आप माइनस वन नहीं करेंगे तो एट द रेट भी आ जाएगा, क्योंकि सिक्स जो है एट द रेट तक का काउंट दिखा रहा है, क्योंकि तो फाइंड जो है जो लेटर फाइंड करते हैं वहां तक का कैरेक्टर देता है, इसलिए इसको आपको माइनस वन करना होगा। फिर यहां पे मैं राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और दूंगा लेफ्ट, नहीं लेफ्ट नहीं, लेन, लेन इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस ये जो फाइंड का फॉर्मूला है रिजल्ट है ओ, मतलब कि फाइंड क्या दिया आपको, के से लेके एट द रेट का लोकेशन बताया, और लेन क्या बता रहा है, के से लेके एम तक का लोकेशन, तो के से लेके एम तक के लोकेशन में से माइनस कर दिया के से लेके एट द रेट का लोकेशन, तो बचा क्या आई से लेके एम का, मतलब कि वेबसाइट का, समझे, क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, जैसे कि यहां देखिए कि मुझे तीनों नाम को अलग करना है, उसके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन लेटेस्ट एक्सेल में आपके पास टेक्स्ट स्प्लिट का फॉर्मूला है, जो कि इसको सेलेक्ट कीजिए और दे दीजिए कि डॉट के बिहाफ पे स्प्लिट करना है, स्प्लिट कर देगा, लेकिन पुराने एक्सेल में नहीं है, इसके लिए टेक्स्ट कॉलम यूज करते थे हम। इसके अंदर वो हमें ज्यादातर लेफ्ट राइट और मिड का फॉर्मूला होता है, लेकिन सबका जी सबसे हाँ, बड़ा लेफ्ट काम राइट लेफ्ट मिड का होता लगाएंगे, है। लेकिन क्या है कि पोजीशन है ना, पोजीशन हिसाब से मैनुअल करना पड़ेगा, ऑटोमेट नहीं हो, वैसे यहाँ ऑटोमेट हो रहा है, कल के डेट में यहाँ पे अगर करेक्टर बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए पहले हमने चार दे पांच दे दिए, तो यहाँ पे देखिए फर्क पड़ गया, बट यहाँ तो अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ओके मतलब टेक्स्ट मतलब वाला टेक्स्ट वाला जो जो टेक्स्ट टेक्स्ट क्या वाला था ये क्या था फॉर्मूला ये फॉर फॉर्मूला टेक्स्ट जो आपने टेक्स्ट दिया आपने था, दिया था, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट स्प्लिट तो टीचर टेक्स्ट स्प्लिट ने टेक्स्ट तो स्प्लिट एडजस्ट तो कर एडजस्ट दिया कर अपने आप दिया को अपने तो, आप मतलब को, तो जी है हाँ ना। जी आज भी इंटरव्यू में जब पूछा जी जाता है तो लेफ्ट राइट और मिड का जरूर पूछा जाता है, जी या फिर हाँ पुराने वर्जन जी पे काम करना पड़ा कुछ भी, तो वहां पे पता है वहां सबसे पे पहले सबसे बड़ी आती है सबसे वो है अपनी बड़ी जो आती है जो वो मिडल नेम है, है सपोज अपनी फर्स्ट नेम है जो लास्ट मिडल नाम नेम मिडल है, नेम, और मान लीजिए मान कुछ लीजिए ऐसे कुछ भी नाम ऐसे भी होते नाम हैं जो होते हैं चार चार कैरेक्टर के होते कैरेक्टर हैं और होते मिडिल हैं, नेम तो दो ये हैं। स्प्लिट फॉर्मूला जो है वर्क, टेक्स आफ्टर टेक्स बिफोर फॉर्मूला वर्क करेगा, टेक्स स्प्लिट फॉर्मूला वर्क करेगा, लेकिन बाकी फॉर्मूले पुराने एक्सेल में फॉर्मूला लिमिटेड थे, दिक्कत होती थी, तभी तो नया फॉर्मूला बनाया गया है। सबकी बातें हैं, लेकिन जैसे कि इंटरव्यू में अभी भी पूछा जाता है उस केस में हम क्या करेंगे वो तो पता नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे ना टेक्स्ट का जैसे पुराने एक्सेल में हमें फिक्स लेंथ है, या फिर फर्स्ट लास्ट अलग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं, इसमें नहीं। हाँ, उसके लिए आप फॉर्मूले के जगह पे, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं, फ्लैश फिल, नहीं सर, फ्लैश फिल तो फ्लैश आपका फिल तो ठीक है मैं ठीक है, समझ मैं गई, समझ गई, बट फ्लैश फिल फ्लैश से फिल आप से ना आप काम ना को काम जल्दी जल्दी खत्म कर खत्म सकते कर हो कोई सकते हो काम कोई है, काम है, लेकिन लेकिन आप आप उसको क्या बोलते हैं उसको ऑटोमेटिक डिक्रीज ऑटोमेटिक के फॉर्मूले की जरूरत होती है हाँ, मैंने ऑटोमेटिक वही तो करके। बोला आपको कि पुराने एक्सेल में लिमिटेड फीचर था, नए एक्सेल में अपडेट हुआ, नए पुराने एक्सेल में नहीं है, तो कहां से डालिएगा, ओके तो सर ठीक है इसमें ना। आप ना मुझे बस ये वाला ये पता चल जाए वाला ना कि जो पता मिड चल वाले जाए केस होते हैं, कि मिड जो वाला मिड जो वाला फॉर्मूला केस लगा के होते मिडिल वैल्यू को हैं, कैसे हम कैसे हम सेलेक्ट सेलेक्ट करें, करें, क्योंकि क्योंकि कैरेक्टर में अपने जैसे यहाँ अपने नंबर नंबर डाला है डाला है, जो नाम जो होगा नाम तो हम होगा सब तो हम कैसे सब कैसे करेंगे, करेंगे, मिड में मिड जैसे में नाम दो नाम आ दो गए, आ गए, जैसे कंपनी का नाम नाम का ही आ नाम गया ही आ गया, या किसी इंसान का किसी नाम आ इंसान गया का चार नाम करेक्टर, चार तो करेक्टर, मिडल में मिडल क्या में है जो सर नाम होगा मैंने या वही फिर आप एक नाम। मैंने वही आपको बताने की कोशिश किया ना, कि पुराने एक्सेल में लेफ्ट राइट मिड यूज किया जाता था, या फिर जो फाइंड वाला जो ऑप्शन बताया मैंने, ये वाला ये यूज करते थे, लेकिन तीन चार नाम होने पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, समझना है ना, तो प्रॉब्लम थी, दिक्कत होती थी, दो तीन नाम तो चल जाता था, चार पांच छह नाम हुआ दिक्कत हो जाता था, उस केस में आपका स्प्लिट फॉर्मूला
टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला वर्क करता है नया एक्सेल। पुराने एक्सेल में इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, मैनुअल करना पड़ता था या फिर वीवीए के जरिए इनएसटीआर रिवर्स वगैरह लगाया जाता था, तो वीवीए में था ऑप्शन। मैं आपके पास समझ रही हूँ, पर वो मैं सीखना इसलिए चाहती हूँ कि कई बार बहुत सारे पर्सन रिवर्स वर्किंग पर्सन नहीं करते हैं और वो पूछा जाता है कि मैं एक बार आया था। ठीक है, पूछा जाता है, लेकिन जब नहीं होगा तो टेक्स्ट टू कॉलम से करना होगा, नहीं तो उसके लिए ऑप्शन नहीं है ना। जो नहीं है जो नहीं है, उसके और लिए तो मैं ये वीवीए बता रही हूँ प्रोग्रामिंग, ना, वीवीए प्रोग्रामिंग है, एक्सेल उसके जरिए बना सकते हैं आप। अब मेरी बात समझ रहे हो, वो मैं सीखना चाहती हूँ। ये एक्सेल 2000 एक्सेल 2021 में वो जो मतलब पुराने वाले काम मेरे वाले फंक्शन को लग सकते हैं ना, ये जानना चाहती हूँ। इससे अगर बड़ा नाम है तो मैं मतलब वो पुराने मैं आपसे वाले सीखना फॉर्म देखिए, चाहती पुराने फॉर्मूले तो लग सकते हैं, लेकिन जो नया फॉर्मूला है पुराना में तो नहीं लगेगा। हूँ। मैं जो आपकी आप बात नहीं चाह समझ पा रही। एक्सेल 2021 में वो मिड है ही। एक्सेल मीट तो है यहाँ पे, लेकिन मीट के अंदर आपको यहाँ पे मान लीजिए कोई नाम ही अलग करना है। आप जो बोल रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप बस अपना सुनना चाह रहे हैं। देखिए यहां पे मैंने सुजीत कुमार लिख दिया, राइट, कुमार सिंह लिख दिया, कुमार सिंह। आप मान लीजिए यहां पे मैं देव कुमार सिंह लिख देता हूं, आप बोल रहे हैं कि मुझे इसका फर्स्ट मिडिल नेम निकालना है, ये बोल रहे हैं ना आप। फर्स्ट लास्ट और मिडिल नेम होता है, लेकिन मतलब कैसे कैसे फर्स्ट एंड निकालेंगे, कैसे लास्ट। निकालेंगे, कैसे निकाल, आप लेव यहां पे मिड फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बताइए आप। चलो हम तीन के लिए मान ले कर भी लेते हैं, फिर चल के लिए चार नेम आ गए, तब क्या करेंगे? क्योंकि मीड फॉर्मूला ये वर्क तो करेगा, लेकिन मीड को क्या चाहिए, टेक्स्ट, और यहाँ चाहिए स्टार्ट नंबर। अब स्टार्ट नंबर 7, ये 7 मैनुअल काउंट करेगा, यहाँ पे चार ही है। अभी 7 कहां से आएगा आपका? अच्छा चलो 7 में फाइन फॉर्मूले से निकाल लिया, फाइन फॉर्मूला लगाया और फाइन फॉर्मूले से मैंने 7 निकाला, सॉरी यहाँ पे गलत दे दिया, यहाँ पे फाइन फाइन, यहाँ पे हमने स्पेस दिया और यहां से हमने लिया, तो मैं फर्स्ट नेम निकाल सकता हूँ, फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मा लगाऊंगा और तो मुझे फर्स्ट नेम आ जाए, माइनस मिडल नेम। अब मिडल नेम में भी कुछ तिग्रम करेंगे तो फिर कल के डेट में चार नेम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं? यस, मैं समझ रही हूँ, पर ये नाम आया हुआ है ऐसा, तो ये कुछ कंपनी को तो भी पता रहना अगर चाहिए। अगर दो नाम है तो किया जा सकता है, जैसे मैंने यहां बताया। वो तो मैंने ये हो गया, ये वाला केस मैंने किया हुआ, ये बहुत इजी लगा, लेकिन यूट्यूब से भी करते हुए ना मिडिल नेम को लेके कंफ्यूज हो, पता है फॉर्मूले बढ़ते चले जाते हैं। यूट्यूब जी पर भी हाँ अगर आपने देखा हो, जी हाँ, बढ़ते चले लेकिन जाते हाँ हैं अगर फॉर्मूले के आपको फॉर्मूले। यहाँ, वही तो बता रहा हूँ कि अगर आपको मिडल नेम भी निकालना है तो प्रॉब्लम है, अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालना है तो प्रॉब्लम नहीं। पता नहीं सर उन्होंने कैसे निकाला है, बस फॉर्मूले थोड़े लंबे हो जाते हैं। हाँ तो उसके अंदर वो जो फॉर्मूला है वो मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि वो फिक्स लेंथ के लिए है, कल के डेट में फॉर्मूला लेंथ अगर बढ़ गया तब क्या कीजिएगा? नहीं सर, किसी किसी में जैसे करेक्टर को मतलब नाम हाँ करेक्टर को तीन ही है, करेक्टर तीन ही है, जो छोटे बड़े आप छोटे बने हैं देखिए, लेकिन। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे मैंने दिया लेफ्ट निकल के आ गया, फिर मैं यहाँ पे अगर फाइन का फॉर्मूला लगाता हूँ और फाइन के फॉर्मूले में बोलता हूँ स्पेस, स्पेस किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया और यहाँ पे दे दिया 1, ना देके मैं 7+1 कर दिया, क्या कर दिया 7+1, तो 13 आ गया। अब मैं यहाँ पे मिड का फॉर्मा लगाया और मिड में बोला कि भाई स्टार्टिंग जो होगा 7+1 से होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर 7 माइनस 13 माइनस 7 होगा, एक कुमार हमारा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कॉमा लग गया, कुमार आ गया। और सिंह के लिए फिर हम वापस राइट का फॉर्मा लगाए और राइट के फॉर्मूले में बोला कि इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस, माइनस सेकेंड स्पेस, तो ये आपको अलग अलग आ गया, लेकिन जैसे ही इसमें चौथा नेम आएगा या सिर्फ दो नेम आएगा ये फॉर्मूला एरर आ जाएगा। जैसे मैं यहां पे सिर्फ सुजीत, सॉरी सिर्फ सुजीत कुमार कर देता हूं, सिंह हटा देता हूं, आ गया एरर, फिर इसको ई एरर लगा के दूसरा कुछ डालना पड़ेगा,
इसलिए चीज मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये यूजफुल नहीं है। यूजफुल तभी होता है जब फिक्स लेंथ होती है। समझ में आया आपको कि नहीं? ये पता नहीं सर, फिर मंजू जी ये जो ये तरीका सेम चीज आप ये बता रहे आपको यूजलेस है। ये तभी यूज होता है जब जब आपका डेटा पूरा का पूरा फिक्स लेंथ में हो, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है। इसलिए मैं टॉपिक इसके अंदर नहीं डाला हुआ है, अनलेस दिमाग क्यों खपाना। ओके, लेकिन सर अभी भी कल जगह ना दो सर प्लीज क्वेश्चन क्लोज नहीं हो रहा, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी तो वही है ना कि इसमें लेटेस्ट सेक्शन में अच्छा सा स्प्लिट आ गया है, टेक्स्ट स्प्लिट लगाइए, आप सिंपल सा टेक्स्ट स्प्लिट लगाइए और यहाँ पे दे दीजिए स्पेस, फर्स्ट मिडल लेंथ तीनों अलग कर देगा, कोई झंझट नहीं। ठीक है चलिए अब बात करते हैं कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले टेक्स्ट के उसके बारे में। जैसे मैंने यहां पे राम लिखा और यहां पे RAM राम लिखा। अब मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूं और एन पे प्रेस करता हूं तो रिजल्ट आ रहा है ट्रू। क्या आ रहा है? ट्रू। लेकिन मुझे एग्जैक्ट मैच करना है। क्या करना है? एग्जैक्ट मैच। जी हाँ, तो उस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला एग्जैक्ट का। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये फॉल्स है। जब तक कि दोनों इकट्ठा ना हो तब तक ट्रू नहीं आएगा। अब इस पे आगे इफ वगैरह लगा सकते हैं आप। दूसरा, जैसे मैंने यहां पे 1500 लिखा, अब इस 1500 पे कोई कॉमा लगा सकता है, कोई परसेंटेज लगा सकता है, कोई कोई डेट बना देगा, करेंसी बना देगा, बहुत सारी चीजें बना सकता है ना। मैं चाहता हूं कि अगर मैं अमाउंट 1500 लिखूं तो कोई किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग ना कर सके, किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग ना कर सके। तो यहां पे उस अमाउंट को हम यहां पे फिक्स्ड के अंदर रख देते हैं, फिक्स्ड 1500। इसको अगर डॉलर के अंदर रखते हैं 1500 तो आपका जो डिफॉल्ट साइन है वो आ जाएगा। मेरा डिफॉल्ट साइन रुपीज है क्योंकि मैंने इंस्टॉल करते समय रीजन इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए रुपीज आ गया। अब इसके ऊपर किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे ये अप्लाई नहीं होगा। ये जनरली हम लोग बिल वगैरह पे यूज करते हैं या फिर सैलरी स्लिप वगैरह पे यूज करते ओके हैं। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि नंबर को हम टेक्स्ट में लिख देते हैं तो आप वैल्यू फॉर्मूले से इसको अलग कर सकते हैं या फिर नंबर वैल्यू फॉर्मूले से अलग कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है। हाँ, मैं कभी कभी क्या होता है टेक्स्ट में लिख देता है, जैसे कॉन्केट कर दिया, कुछ कर दिया तो टेक्स्ट में आ जाता है, उसमें सम वगैरह बाकी फॉर्मूले वगैरह नहीं लगते हैं तो यहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो फॉर्म ठीक आपने है, लगाया था इस वजह से बस सिंगल कोट लगा सर, दिया था और ना सिंगल मैंने। कोट लगा दी इस वजह से वो कोई उस पे कोई जी हाँ, फॉर्मूला काम अब मैंने यहाँ पे सुजीत कुमार लिख दिया, मैं इसको अपर फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये अपर लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर फॉर्मूला लगाऊंगा तो लोअर लेटर लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रॉपर दूंगा तो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर में फर्स्ट लेटर वो कंसीडर फर्स्ट करेगा खाली। जी। उसके अलावा कुछ ट्रिक्स है, जैसे कि इसमें मुझे सर ये सर ट्रिक्स सर ये आपको करते सुझाइए, सॉरी 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 हैं। ये आपने एक तो मुझे बताया कि 1.5.1 जो कोमा लगा देने के बाद उसमें कोई भी फॉर्मूला फंक्शन वर्क नहीं करता, इसके अलावा कुछ और भी है? ओके डॉलर था, डॉलर। डॉलर, ओके। जैसे 1.5.4 में जैसे आपने बोला ना कि कोमा लगाने के बाद इसमें कुछ और भी दिक्कत आती है इस तरह का, कोई चीज सही करने में कुछ और नहीं, एरर कुछ आ नहीं, जाए सर मिल जाए? ये है। आप ट्राई